ये है हमारा प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स, जिसका एक लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिला है हमारे मी 11X डिवाइस के लिए, या फिर कह सकते हैं पोको के F3 डिवाइस के लिए। और इसे यूज करते हुए हो चुके हैं 1 डे, और यहाँ पे क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिलता है इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी, ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना कैसे है। और इंस्टॉलेशन गाइड भी मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। और एक लंबे टाइम के बाद मैं मी 11X वापस लेकर आया हूँ चैनल पर, तो आपका एक शेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट दिखा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज जैसे लास्ट टाइम ड्रॉप किया था मुझे फिर से ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो प्लीज सपोर्ट एंड शेयर। यहाँ पे आपका डबल टैप वगैरह, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह है जो प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी स्मूथ रिस्पांस देखने को मिलता है। और जो UI है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस OS की आपको अच्छी लगने वाली है। मैं यहाँ पे GF वर्जन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका वनीला भी आता है, बट मैं वनीला रिकमेंडेड नहीं करूँगा। तो लाइटर GF है, जो कि काफ़ी सही है, लाइट वेट रहता है और काफ़ी परफेक्टली काम भी करता है। अगर हम बात करें इसके अबाउट के, तो यहाँ पे रेडियो इन्फो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 15 का ये वनीला 2.8 वर्जन आपको दिखाई देता है, जो कि ऑफिशियल सपोर्ट के साथ आता है। जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम देख सकते हो, 5 MB का सिक्योरिटी पैच है, नो कर्नल यहाँ पे यूज करा गया है, और बाकी थोड़े बहुत फोन के स्पेक्स वगैरह आपको नजर आते हैं। यहाँ पे एक कलरफुल आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2.8 के अंदर ऐड किया गया है, और इसे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम, जहाँ पे जेस्टर्स के ऑप्शन है, जहाँ पे नॉर्मल बेसिक सारे फीचर्स है, जैसे कि किक टॉर्च, ओपन कैमरा, 100 लैप टू चेक, यहाँ पे पार्सल स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट स्वाइप का फीचर्स। फाइल ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपका नीड रहता है उसके हिसाब से। ये है इसका अपडेटर, जहाँ से आप OTA अपडेट चेक कर पाओगे, जो कि फुल पैकेज ही रहता है। और यहाँ पे आपका सिस्टम डायग्नोसिस का फीचर्स मिल जाता है, और ये प्रोफाइल यहीं पे दिया गया है, और रियली में ये पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्हें का यूज किया है और परफॉर्मेंस रियली में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंज आता है जब आप इस प्रोफाइल का यूज करते हो। अनदर डिजिटल वेलबिंग, गूगल सर्विसेज वगैरह, एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, ऑटो कन्फर्म का ऑप्शन है, इनहेंस का है, स्क्रैम्बल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो एंड्रॉयड 15 का प्राइवेट स्पेस है वो आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रिस्ट्रिक्ट USB, डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी बैटरी की बात करें तो जितना मैंने यूज किया मुझे ओवरऑल काफ़ी सही देखने को मिला। आइडियल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बैटरी चार्जिंग कंट्रोल भी दिया गया है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हैवी टेस्टिंग वगैरह भी है जो करिए, ताकि रिजल्ट पता चल सके। मोड्स के अंदर आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आपको कहीं पर जाना है तो उसके हिसाब से कस्टम चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। आपको बैटरी सेविंग करना है, उससे रिलेटेड भी आपको डिस्प्ले कई सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जो कि रियली में फोकस मोड जैसा काम करता है, जैसे कि आईफोन वगैरह में देखने को मिलता है। साउंड के प्रोफाइल पे आपको देखने को मिलता है मी का साउंड इफेक्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और अच्छा आउटपुट भी आपको मिलेगा। बाकी क्लियर स्पीकर वगैरह है, हैप्टिक के यहाँ पे पैटर्न वगैरह भी दिए गए हैं, जिसे आप घटा बढ़ा सकते हो, जो कि ये अच्छा लगा है। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप ऑन कर सकते हो, साथ साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का जो है कूल डाउन ऑप्शन है ये भी मिलता है। ये क्या काम करता है, बेसिकली जब आपके फ़ोन के अंदर बैक टू बैक कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो वैसे में बार बार टी 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 जो साउंड आता है फ़ोन का वो इरिटेट करता है, तो वैसे में ये आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन के वॉल्यूम को डाउन कर देगा, जिससे आपको इरिटेशन नहीं, और जैसे नोटिफिकेशन स्लो डाउन होगा ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब ये स्लो डाउन करता है, उसके बीच में आपका अलार्म बजता है या कॉल आता है, तो वो आपका फुल रिंग ही रहेगा, जितना आपने सेट कर रखा है उस पर इफेक्ट नहीं डालता। तो ये काफ़ी बेहतरीन और यूजफुल फीचर्स मुझे देखने को मिला है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर से आप रिप्लाई वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऐप्स के अंदर को देखने को मिलता है डिफॉल्ट ऐप, ऐप लॉक, क्लोन ऐप, गेम स्पेस, जो कि लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे यूज करा गया है, तो यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी अगर हम बैक आते हैं तो आपको मिलता है वॉल पेपर सेशन वगैरह, जहाँ पे कई सारे क्लॉक्स वगैरह दिए गए हैं, और यही बेसिक से कस्टमाइजेशन, जैसे कि आपको फॉन्ट्स के कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आइकन के कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह आप बदल सकते हो, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आप ऑलवेज ऑन वगैरह भी यूज कर सकते हो, डायनेमिक लॉक का भी बेनिफिट मिलता है। अनदर आता है डिस्प्ले, जहाँ पे 3 टाइप के डार्क मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक लाइट मोड, एक नॉर्मल डार्क, एक प्योर पिंच ब्लैक डार्क मोड। ये UI थोड़ा बहुत आपको रियलमी UI जैसा देखने को मिल जाता है, उसमें भी है जो कुछ डार्क मोड इसी टाइप से दिखाई देता है। ऑटो ब्राइटनेस हमारा सही काम करता है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। बाकी जो स्लाइडर है ना, वो मुझे रियल में पसंद पड़ा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है रिफ्रेश रेट का, डिस्प्ले कटआउट का ऑप्शन है, अलाउ विंडो लेवल ब्लर का ऑप्शन है, टैप टू बैकअप है, यहाँ पे डबल टैप डॉच का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, इवेंट एक्सीडेंटल बैकअप का भी ऑप्शन है, लैंडस्केप और स्टेटस बार पे डबल टैप स्लीप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टच रिस्पॉन्स का बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे DC डिमिंग भी दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, और यहाँ पे HBM का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप यूज
कर सकते हो। अनदर आता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जो कि बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, इतना ज्यादा कि भाई क्या ही कहे। और लॉक स्क्रीन पे आप देखोगे कई सारे शॉर्टकट मैंने अप्लाई कर रखे हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है, वाईफाई से रिलेटेड, मोबाइल नेटवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जो कि मुझे अच्छा लगा है। अगर हम आते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो आप देखो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं क्लॉक के, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो भी आपको कस्टमाइजेशन रखना है वो आप रखो और अप्लाई कर दो, ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको क्लॉक का टेक्स्ट ओपासिटी आप घटा बढ़ा सकते हो, ये कुछ इस तरीके से क्लॉक फॉर्मेट है। और जो स्लाइडिंग का स्टाइल है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है, और हर एक टैप पे आपको जो हैप्टिक फील होता है कट 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 कट, तो ये भी अच्छा सा फील देता है। ये आपके लॉक स्क्रीन के विजेट्स वगैरह जिन्हें चेंज करना है, टैप करो, इतने सारे ऑप्शन आएंगे, जो भी अच्छा लगता है वो आप पिक कर लो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लॉक स्क्रीन पर डाल रखा है। यहाँ पे आपको मिलता है वेदर का सेटिंग, नीचे आपको देखने को मिलता है डेप्थ वॉलपेपर, कीवे सिक्योर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कैरियल नेम, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, वैक ऑन चार्जिंग, एनिमेशन वगैरह है, लॉक स्क्रीन एनिमेशन आपको मिलता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वगैरह के आपको वाइब्रेट मिल जाता है, और पॉकेट मोड भी मिलता है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम बैक की ओर आते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पे डिफॉल्ट, जो कि हमारा मोनिट इफेक्ट फीचर्स है, वो यहाँ पे आपको वॉलपेपर, जो कि वही मैंने आपको सिखाया था, वो एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे थीम्ड पैक, जहाँ से आप वॉलपेपर को ब्लर वगैरह कर सकते हो, और ये प्रॉपर काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोम मैंने ट्राई किए हैं, पोको F6 में, F4 में, F5 में, जहाँ पे ये जो रीस्टार्ट का ऑप्शन ही काम नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लर एक्टिवेट नहीं हो पाता था, बट ये चीज़ यहाँ पे मी लिनक्स या फिर पोको F3 कह लो उसमें वर्किंग रहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा है, वन टाइम में वर्क कर जाता है। यहाँ पे सेटिंग के अलग अलग UI दिए गए हैं, जो कि लास्ट टाइम ये पहले नहीं था पिछले अपडेट में, बट इसका वीडियो मैंने मी लिनक्स के लिए तो फर्स्ट टाइम दिया है। तो यहाँ पे जैसे भी चाहिए वैसे आप यहाँ पे बदल सकते हो, और एक बार इस तरीके से आपका UI रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको जो भी चेंज आपने किया है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉन्ट्स चेंजिंग है, यहाँ पे आइकन चेंजिंग है, सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से आप बदल सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आपको एक बूट एनिमेशन वगैरह भी चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे गूगल का, साइबरपंक, कॉल्ट OS और बाकी ईवो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बदल पाओगे। बाकी आप देखो सेटिंग मैंने UI चेंज किया है ना, तो यहाँ पे देखो इसके लुक कलरफुल वगैरह थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो भी लुक आपको चाहिए वो आप सेटिंग में जाकर बदल सकते हो। स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे आइटम ऑन एंड ऑफ के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लॉक के कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, बैकग्राउंड चिप में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नेटवर्क ट्रैफिक है, 4G 5G वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, पैडिंग कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ कीवेस के अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, डाउन का है, डेविल टोन वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंट आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी रिफर इफेक्ट्स वगैरह, क्लॉक कस्टमाइजेशन, यहाँ पे कीवेस का हैप्टिक्स वगैरह बदल सकते हो, इसके UI में भी आप चाहो तो थोड़ा बदलाव है जो कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। रो एंड कॉल्यूम भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखो जितने भी आपने डेटा यूज किया वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखाई देता है, चाहे वो वाईफाई का हो या मोबाइल डेटा का, ये अच्छा लगा। और Jio 5G भी यहाँ पे आपका वर्किंग है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता। EOD की बात करें तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन वगैरह, एज लाइट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। बटन के अंदर आपको मिलता है वॉल्यूम वैक अप, प्ले बैक कंट्रोल, वॉल्यूम परसेंटेज, उसका लोकेशन, और लेफ्ट एंड राइट भी आप कर सकते हो। पावर मेनू के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन में हैंड्स अप, कॉम्पैक्ट, ऑन गोइंग, चिप, आइलैंड, और बाकी यहाँ पे वाइब्रेट का फीचर्स मिल जाता है। और हाँ, वाइब्रेट से याद आया कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट डायलर दिया गया है ना, इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगा। और वाइब्रेट के फीचर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि सही है। अनदर आता है यहाँ पे नेविगेशन मोड वगैरह, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो, और सर्कल टू सर्च भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी साइड बार वगैरह आप यूज कर पाओगे, जो कि एंड्रॉइड 15 का बेसिक फीचर्स है। फ्री फॉर्म का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यह है मिसलेनियस, जहाँ पे स्पूफिंग के सारे फीचर्स दिए गए हैं, और ये सारे आपके काम करते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आता। बट 21 को गूगल ने अपनी पॉलिसी अपडेट करी है, जिसकी वजह से जितने भी रोम थे जिनके डिवाइस सर्टिफिकेशन आपको पास मिलते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ये जो फेल हो चुकी है। तो अब आपको मैनुअली नया जो मेथड आया उसके हेल्प से, नए फाइल के हेल्प से पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे फेल देखने को मिलती है। तो मे बी आने वाले टाइम में फिर से डिफॉल्ट पास आने लग जाएगा, बट अभी के टाइम पे जितने भी पहले वाले रोम थे सभी फेल हो चुके हैं, तो आपको खुद से अब करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे कुछ स्पूफिंग वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अनदर यहाँ पे हम बात करें टीम्स वगैरह की, तो यहाँ पे सारे डेवलपर्स और उनके टीम के डिटेल्स वगैरह आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे हाइड एप्लीकेशन और हाइड डेवलपर स्टेटस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स है उन सभी के लिए जो कि ये सारी चीज़ें करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो ये टोटल कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलता है इस रोम के साइड से, जो कि मुझे रियल में काफ़ी अच्छा लगा है, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन इसके अलावा इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो कैसा रहता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और रियली में रोम मुझे काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ लगा है।
और इसके लॉन्चर में आपको एडवांस कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्या कुछ रखना है क्या कुछ नहीं रखना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगने वाला है। और हाँ, एक चीज़ की मैं कमी कहूँ वो है इसका कैमरा। अगर डिफॉल्ट कैमरा हमारा है जो मी 11X वाला ही होता सिस्टम डिफॉल्ट तो बेटर होता, बट यहाँ पे डिफरेंट कैमरा दिया गया है तो आपको GCam की सहारा लेना पड़ेगा कैमरा यूज करने के लिए, क्योंकि ये कैमरा कुछ खास रहता नहीं है। तो ये मैं कहूँगा एक छोटा सा डाउन साइड है, बट आप GCam डाल लोगे तो आपको इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं अपने टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखो मैं DSLR वर्जन यूज किया हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइटर रहता है इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर दिखाई देते हैं कुछ रैंडम एप्लीकेशन। इसके अलावा आपको नीड के हिसाब से अपना डाल लेना है, जैसे कि मैंने डाला। कैमरा वगैरह अच्छे किया काम करता है, L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ साथ HDR 10+ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड जब आपका फोन नॉर्मल रहता है तो आप देखो 8 आवर्स में 11%, उसके बाद यहाँ पे 46 मिनट नॉट आवर्स में 55% गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा होगा क्योंकि इस समय मेरा फोन हल्का वार्म हो गया था, तो आपका फोन वार्म वगैरह होगा तो चार्जिंग तो स्लो देखने को मिलेगा। बैटरी ड्रॉप की बात करें वो भी स्टैंड बाई तो 86 के बाद मॉर्निंग में 86 ही आता है, जहाँ पे आप देखो 8 आवर्स 42 मिनट यानी 9 आवर्स का कह सकते हैं स्टैंड बाई टाइमिंग है और 0% की बैटरी ड्रॉप, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन में कहूँगा कि देखने को मिला। और ये हमारा नॉर्मल टेस्टिंग CPU टोटल जो कि 11-12 मिनट तक मैंने रन किया, जहाँ पे 3,19,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे टोटल करना चालू होने ही वाला था कि मैंने इसे रोक दिया। और जैसे मैं इसका जो प्रोफाइल दिया गया बूस्ट करने के लिए उसका यूज करता हूँ और चेक करता हूँ तो आप देखो कितना ज़्यादा ह्यूज जंप देखने को मिलता है। 3,23,000 पहुंच जाता है जो कि 3,19,000 था, और यहाँ पे मिनिमम जो गया है 2,82,000 और 92% ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। और सेम परफॉर्मेंस बूस्ट करके मैंने Antutu को रन किया, जहाँ पे 79 का आप स्कोर देख सकते हो। हीटिंग बहुत कम है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, फैन वैन चालू था और दोपहर में गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो उसमें टेम्परेचर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट जो स्कोर आया है वो काफ़ी बेहतरीन है। और सेम यहाँ पे Geekbench भी आप देख सकते हो, सिंगल और मल्टी, मैं कहूँगा कि नेक्स्ट लेवल का है, काफ़ी ऑसम। अनदर यहाँ पे गेमिंग जब आपका सेटिंग ऑफ रहता है तो नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन जैसे आप सेटिंग को ऑन कर देते हो एक्स्ट्रा वाला तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम आपके अनलॉक हो जाते हैं जो कि आपके गेमिंग में हेल्प करेगा। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिलता है जो कि अच्छी बात है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत है जो नहीं आती। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइस आपका फेल होने वाला सर्टिफिकेशन वगैरह तो आपको अब खुद से पास करना पड़ेगा, और मे भी आने वाले अपडेट में डिफॉल्ट पास होने लग जाएगा, लेकिन खुद से करना सीख लोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि टाइम टू टाइम गूगल ये चीज़ें बैन करता रहता है। बाकी आप व्हाट्सएप वगैरह यूज कर सकते हो, इस तरीके से कस्टम रोम वाला पॉपअप आता है बट दिक्कत नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं यार कि काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है तो इसे आप आसानी से यूज कर सकते हो। अब रही बात इसे यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, तो सिंपल आपको अपने रिकवरी में जाना है, अपने डिवाइस का सपोर्टेड FW फ्लैश करना है, इस रोम को फ्लैश करना है और फॉर्मेट एंड रिबूट कर लेना है। अगर आप ADB साइड लोड मेथड फॉलो करते हो तो ज़्यादा बेटर है, अथवा आप सिंपल आप है जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का भी यूज करते हो इसे फ्लैश कर सकते हो। मैं एक नॉर्मल गाइड वीडियो लास्ट में ऐड कर दूंगा जिसे फॉलो अप करके आपको इसे सिंपल अपने फोन के अंदर डाल लेना है। और हाँ, इसका जो बूट एनिमेशन है वो मुझे रियली में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूट एनिमेशन आ गया है जो कि पहले से थोड़ा सा और इम्प्रूव मुझे लगता है कि हुआ है, क्योंकि पहले थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही रहता था। तो ये टोटल चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और आई होप कि आपको ये रोम भी पसंद आया होगा। मिलियन से लेकर आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस वही जो मैंने कहा कि शेयर कर दो, इंस्टॉलेशन गाइड देख लो और इंस्टॉल कर लेना, फाइल वाइल सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो फोन को ऑफ कर लेने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना, जिससे आपके फोन का रिकवरी जो भी इंस्टॉल्ड वो ऑन हो जाएगा। अगर रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो पहले रिकवरी इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन के अंदर, और रिकवरी हमेशा वही यूज करना जो कि आपको बताया जाए। अगर किसी रोम के लिए सेपरेट रिकवरी बोला गया है तो उसी का यूज करना, अदरवाइज लेटेस्ट वाला यूज करना। आपका भाई ये कैसे पता चलेगा, तो जहाँ से आप रोम डाउनलोड करो या वीडियो वॉच करो वहाँ पर बताया जाएगा, तो वहाँ से आप कर लेना। ओके, तो कई टाइप के रोम होते हैं, कुछ होते हैं वनीला वर्जन जिसमें आपको जो गूगल के एप्लीकेशन नहीं रहते इंक्लूड अलग से डालना पड़ता है, और कुछ रहते हैं जिसमें आपको FW रिक्वायर्ड रहती है, कुछ में एक्स्ट्रा पैच रिक्वायर्ड रहता है और कुछ में कुछ भी करना नहीं रहता। और ये सेम प्रोसेस आपके HyperOS या MIUI रोम के लिए भी फॉलो होगा, तो बस देखना समझना है। पहले आपको वाइप नहीं करना है, मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा, जैसे दिखा रहा हूँ वो आपको करना है। अगर जो रोम आप डाल रहे हो उसमें अगर आपको FW बताया गया है तो आपको FW सपोर्टेड जो कि रिकमेंडेड किया गया है उसे डाउनलोड करके सिलेक्ट करना है और इस तरीके से स्वाइप कर देना है। अगर रिकमेंडेड है तो ये स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज इग्नोर कर देना है और ये इजीली फ्लैश हो जाता है। उसके बाद आपको बैक आना है। अब जो भी रोम फ्लैश करना है आपको, चाहे वो हाइपर का हो या कस्टम रोम हो, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो FW के बाद हमारा है जो रोम सिलेक्ट होगा जो भी आपको बताया गया है वो, और स्वाइप कर देना है।
मे बी इसके फ्लैशिंग में आपको फर्स्ट टाइम एरर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करके दोबारा आपको जो फ्लैश कर लेना है रोम को, और सेकेंड टाइम आपको जो कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर फर्स्ट टाइम मिला है तो। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो गया, इसके जगह आपका मे बी हाइपर ओएस हो सकता है या कोई मोड रोम मीवाई का हो सकता है या फिर आपका ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस या मोटरोला का कोई भी पोर्ट ओएस हो सकता है, तो इसी तरीके से फ्लैश होगा, बस सेलेक्ट एंड फ्लैश कर देना है। और अगर आप जो भी रोम फ्लैश करें उसके अंदर कोई भी GF नहीं डाला हुआ है, वनीला वर्जन है, तो आपको अपने डिवाइस का एंड्रॉयड वर्जन का सपोर्टेड GF को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि ये रहा, और लास्ट में फ्लैश कर देना है जब आप रोम को फ्लैश करोगे उसके बाद। अगर नहीं है तो ही इस स्टेप को फॉलो करना है, अगर उसके अंदर इंक्लूड है तो इसे फ्लैश नहीं करना। अब फिर से पूछो भाई पता कैसे चलेगा कि GF लगेगा या नहीं, तो जहां से आप डाउनलोड करोगे या जिस वीडियो से करोगे वहां पे बताया हुआ रहेगा कि आपको गूगल के एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे, GF डालना पड़ेगा तब डालना है, अगर नहीं बताया गया तो नहीं डालना है। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, तो अगर एरर आता है तो रिबूट टू रिकवरी करके फ्लैश करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमें रिबूट टू रिकवरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करने के बाद आपके डिवाइस का जो रिकवरी है वो रिप्लेस हो सकता है सपोर्टेड कस्टम रोम के हिसाब से, तो उसे इग्नोर करना, उसी रिकवरी का यूज करते हुए फिर से फाइल को फ्लैश कर लेना। तो यहाँ पे मेरा रिप्लेस नहीं हुआ, आपका होगा तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसमें एरर आया था, मैं इसे दोबारा फ्लैश करूँगा, अब एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर टीटोरियल पे नहीं डाला हुआ है और आपका पीसी नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बना के दे दी है आपको, जो कि विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड, उसमें जाके देख लेना कि TWRP को कैसे फ्लैश करना है विदाउट पीसी के, सारी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल है सभी को इस तरीके से वन बाई वन फ्लैश करते जाना है। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपल है जो अपने फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाना है, चाहे आप TWRP यूज कर रहे हो या फिर रिकवरी ऑरेंज फॉक्स, सभी में आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरीके से जाके यस टाइप करना है और लास्ट में फॉर्मेट करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जस्ट रिबूट कर लेना है, कुछ ही मिनट के अंदर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, मे बी 5 मिनट लग सकता है किसी किसी रोम में, किसी किसी में 10 मिनट भी लग सकता है, बस वेट करना है और सेटअप करके यूज कर लेना है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस जो मैंने बताया समझ में आ गया है, तो बस इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी सिंपल और ईजी था, बस मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल है जो फ्लैशिंग गाइड बनाया है, ताकि हर एक वीडियो के अंदर ऐड कर सकूँ जहाँ पे इस तरीके के गाइड की रिक्वायर्ड हो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो, तो यही है गाइड जो कि आपको फॉलो करना है, जिस भी रोम का रिव्यू देख रहे हो उसके लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और हाँ शेयर जरूर कर देना।